उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कम्प्लीट हो गया। राष्ट्रीय संकट समिति के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी साहब और केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल आदरणीय सांसद महोदय चार मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी ने हमारे मिनट का टाइम दिया। लेकिन जैसे हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा तो जब हमारी ये संवेदना है या पीड़ा सुनी तो उन्होंने विषय की गंभीरता को सोचते हुए 30 मिनट तक हम लोगों से बातचीत करी और तुरंत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बुलाकर एक कमेटी गठित करी और उनको बोला कि आप इनकी जो भी मांग है उनका जानबूझ सुन के हम रिपोर्ट पेश करें। तो हमारा इसमें भी ये निवेदन है कि आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी साहब से व्यक्तिगत बातचीत करवा कर पता करें कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई और कहां तक पहुंचा है। इसके अलावा सर हमारा जो केरला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट से भी हम हमारे फेवर में फैसला आ चुका है। फैसला आने के बाद में ईपीएफओ कार्यालय भविष्य निधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन दी जो एक स्वर में सारे जजों ने एक स्वर में बोला कि इस लिटिगेशन में कोई दम नहीं है और ये इनकी वाजिब मांगे और इन अपना हक मांग रहे और इनको न्याय संकट मांग के अनुरूप पेंशन मिलना चाहिए। अब जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की चार सूत्री मांगे सर, पहली मांग हमारी ये कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, दूसरी उसके साथ डीए क्लब किया जाए और तीसरा क्योंकि हम खतरनाक एनवायरनमेंट में काम करने वाले लोग हैं तो 50 साल की उम्र के बाद में हमें चाहे वो बीपी हो, डायबिटीज हो, हृदय रोग हो, ये दूषित वातावरण में काम करने की वजह से बीमारियां, आज की तारीख में ऐसा कोई एम्प्लॉई या पेंशनर नहीं होगा जिसको कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो, तो हमें किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिलती। तो 7,500 रुपए मिनिमम पेंशन प्लस डीए प्लस चिकित्सा सुविधा। चौथी डिमांड यह है जो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन उनका तो काट लिया लेकिन एम्प्लॉयर ने उनका नहीं दिया तो वो नॉन एग्जेम्प्टेड की श्रेणी में आते हैं तो उन लोगों को पेंशन मिल ही नहीं रही। ऐसे कर्मचारियों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की राष्ट्रीय संकट समिति की मांग है। और पीएफओ डिपार्टमेंट की सर बहुत मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो हायर लेवल के ऑफिसर है भविष्य निधि विभाग उन्होंने तो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर पेंशन करने के लिए उनका अंशदान लिया जा रहा है क्योंकि वही मालिक है और जो उनके नीचे काम करने वाले हैं उन लोगों को ईपीएस 95 पेंशन दी जाए। ये भारत सरकार के नीचे जो काम करता है ईएफओ कार्यालय उनके हायर जो उच्च अधिकारी हैं उनको तो वो पेंशन देनी चाहिए जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलती है और उनके नीचे काम करने वालों को ये ईपीएस 95 जो 200 रुपए से 3,000 रुपए तक मिलती है। एक ही डिपार्टमेंट में दो तरह के नियम बने हुए सर, तो इस पे आपको हमारा निवेदन है कि आप इसको भी दिखावे और इसमें